ये ग्रिल लगा हुआ है, ये सब चांदी का लगा हुआ है, चांदी है बिल्कुल। आप लोग देखें, खास नौचंदी जुमेरात को चारों तरफ से जायरीन हजरात भरे हुए हैं, जैसा कि आप लोग सामने बिल्कुल हमारे देख सकते हैं। लोग अपने अपने मरीज मरीजा को लेकर इस बारगाह में किशोचा शरीफ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं किशोचा शरीफ दरगाह, और आज मुबारक दिन है, नौचंदी जुमेरात है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरी तरीके से पब्लिक किशोचा शरीफ दरगाह में भर चुकी है और चारों तरफ ट्रैफिक लगी है। आप लोग सामने से देख, और हम बिल्कुल चौराहे पर खड़े हैं, जो यहाँ की टानरिया नगर पंचायत अशरफपुर किशोचा, सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नगर पंचायत अशरफपुर किशोचा। और बिल्कुल हम सामने मौजूद हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है सब मखदूम पाक की बारगाह में आए हुए श्रद्धालु जा रहे हैं। जितने भी आपको दूर दूर तक ट्रैफिक नज़र आ रहा, सब मखदूम पाक की बारगाह में जाने वाले श्रद्धालु जो अपने अपने मरीज मरीजा को लेकर जा रहे हैं। और आज नौचंदी जुमेरात है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दोपहर है, दोपहर का दिन है, आज दोपहर हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं, आज अभी इस टाइम इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी है, सुबह से लेकर न जाने कितनी पब्लिक भरी होगी अंदर, और लोग अभी जा ही रहे हैं मखदूम सिन्ना की बारगाह में। आप लोग वीडियो पे बने रहें, आगे चल के दिखाते हैं आज इस नौचंदी जुमेरात में क्या खास है। आप लोग वीडियो पे बने रहें, आइए हम आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी पूरा ट्रैफिक, पूरा रोड जाम है। आप लोगों को दिखाया गया था दरगाह से, जहाँ से इंटर करते हैं, एंट्री लेते हैं दरबार में, किशोचा शरीफ दरगाह में आने के लिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक सारा रोड जाम है। जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं, चारों तरफ पब्लिक भरी हुई है, गाड़ियाँ भरी हुई है। और आप लोग देखें, यहाँ से लेकर पूरा जहां तक नजर जा रही है, रोड जाम नजर आ रहा है, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं। और आप लोग वीडियो पे बने रहें, यहां से लेकर मखदूम पाक की रोज़े मुबारक तक आप लोगों को दिखाएंगे, यहां नौचंदी जुमेरात किस तरीके से होती है और किस तरह यहां नौचंदी जुमेरात मनाई जाती है, और यहां इस नौचंदी जुमेरात में इतनी पब्लिक क्यों है। आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो पे बने रहें, आप लोगों को शुरू से लेके आखिरी तक दिखाया जाएगा, और वीडियो में दिखाया जाएगा ये नौचंदी जुमेरात में इतनी पब्लिक क्यों है, इतनी भीड़ क्यों है। और आप लोग बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं, यहाँ मेला झूला लगा हुआ है। और जिन लोगों ने मेले की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, पूरा मेला घर बैठे बैठे आप लोग घूम सकते हैं। तो हमने मेले की वीडियो बना लिया है, पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। और आप लोग वीडियो पे बने रहें, आप लोगों को यहां से लेकर मखदूम पाक के आस्थाने तक दिखाया जाएगा। जहां तक नजर जा रही, देखें आप लोग, बिल्कुल पब्लिक, बिल्कुल ट्रैफिक, पूरा रोड जाम है चारों तरफ से, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, चारों तरफ से रोड जाम है। और आज नौचंदी जुमेरात है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो हम मखदूम पाक के सहने आस्थाना पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आए हुए नौचंदी में जो मेहमान श्रद्धालु हाजिर हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, पूरी तरीके से मखदूम पाक का सहने आस्थाना भरा हुआ है, और
लोग अपने अपने मरीज मरीजा को लेकर इस बारगाह में किछौटा शरीफ में हाजिर हैं। आप लोग देखें, आइए आप लोगों को आगे चल के दिखाते हैं और आप लोग वीडियो पे बने रहें। अभी आप लोगों को मखसूम पाक का रोज़े मुबारक की ज़ियारत करवाएंगे ऊपर से, और आइए आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। मखदूम पाक के सहने आस्ताना के पास आ चुके हैं सामने, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं। लोग ऊपर की तरफ मखदूम सिन्ना की बारगाह में जा रहे हैं। ये सीधा रास्ता है मजार मुबारक पर जाने के लिए, और आए हुए मेहमान सरजदालु नौचंदी में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सहने आस्ताना बिल्कुल भरा हुआ है। आप लोग वीडियो पे बने रहें, आप लोगों को ऊपर लेके चलते हैं मखदूम पाक की रोज़े मुबारक की ज़ियारत करवाते हैं, और ऊपर का क्या नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। और आप लोग देखें, नीचे सहने आस्ताने पे कव्वाली हो रही है सामने, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हम आ चुके हैं बिल्कुल मखदूम पाक के रोज़े मुबारक के पास, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक, कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। जैसा कि आप लोग देखें, चारों तरफ आए हुए हजरात मखदूम सिन्ना की बारगाह में, चारों तरफ बिल्कुल भरा हुआ है मखदूम पाक का सहने आस्ताना। और जिनको भी मखदूम पाक की बारगाह में दुआ सलाम पेश करना है, वो लोग कमेंट में अपना नाम, मरीज का नाम लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उनका दुआ सलाम मखदूम पाक की बारगाह में पेश किया जाएगा। और आप लोग वीडियो पे बने रहें, आगे चलकर मखदूम पाक की मजार मुबारक की ज़ियारत पेश करवाते हैं, और जिनको भी दुआ सलाम पेश करना होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, मरीज का नाम लिख सकते हैं। आप लोग देखिए, मखदूम पाक की बारगाह में आए हुए मेहमान सरजदालु इस खास नौचंदी जुमेरात को, चारों तरफ से जायरीन हजरात भरे हुए हैं, जैसा कि आप लोग सामने बिल्कुल हमारे देख सकते हैं। और आज दुआ मांगने का दिन है, मुरादें कबूल होने का दिन है। आप लोग जिनको भी दुआ सलाम पेश करना होगा अपना नाम, मरीज का नाम, वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उनका दुआ सलाम मखदूम सिन्ना की बारगाह में पेश किया जाएगा। और आप लोग वीडियो पे बने रहें, अभी अंदर अंदर चलकर
मखदूमे पाक की मज़ार मुबारक की ज़ियारत पेश करवाएंगे आप लोगों को। जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही प्यारा व सुनहरा मौसम बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जो आए हुए श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा गर्मी से राहत मिल रही होगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, बस अंदर चलकर मखदूम पाक की मज़ार मुबारक की आप लोगों को ज़ियारत पेश करवाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जरा सा भी खाली नहीं है, जरा सी भी जगह नहीं है, थोड़ी सी भी जगह नहीं है कि दूसरे को मौका मिले नहाने का। चारों तरफ से पब्लिक नहाने के लिए आप लोग देख सकते हैं एक आदमी की जगह नहीं है, एक मरीज़ की जगह नहीं कि वो अपने मरीज़ को उसके बगल में बैठा के नहला दें। चारों तरफ से पब्लिक नहाने के लिए भरी है और आज नवचंदी का दिन है। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में बताया गया, बहुत ही खास दिन यह होता है। इस दिन में आने से जिनके ऊपर किसी भी तरह का असरात होता है, भूत शैतान होता है, जिन व जिन्नात होता है, उनको शिफा मिलती है, उनका मरीज़ ठीक होता है। और ये कोई आम पानी नहीं है, इस पानी से नहाने से, मरीज को नहलाने से जिनके ऊपर किसी भी तरह का असरात होता है, भूत शैतान होता है, जिन व जिन्नात होता है, इस पानी से नहलाने से उनको शिफा मिलती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ से नीर भरी हुई है, आप लोगों को एक ही बार में पूरा दिखाते हैं। आप लोग देखें यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे पहुँचा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। किस तरीके से लोग नहा रहे हैं और चारों तरफ से पब्लिक पूरी तरीके से भरी हुई है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। ये जिन्नाती मस्जिद है, जैसा कि आप सभी को मालूम है मखदूम पाक के रोज़े के पीछे नीर शरीफ के किनारे जिन्नाती मस्जिद है ये। और वहाँ पर भी देखिए किस तरीके से लोग नहा रहे हैं, बिल्कुल एकदम थोड़ी सी भी जगह नहीं है कि उसके बगल में दूसरे मरीज को नहलाया जा सके। आप लोग देख रहे हैं वीडियो में पूरी तरीके से चारों तरफ से भरा हुआ है। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं ये खातून नीर शरीफ में अपना सर को अंदर डाले हुए है, ये बेहद गलत है। इससे नीर शरीफ का पानी गंदा होता है, ये बहुत ही गलत है। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं बहुत अफसोस हो रहा है इस हरकत को देखकर। देख रहे हैं जरा सा भी जगह नहीं है लोगों को जाने के लिए। और आप लोग देखें तो आप लोग वीडियो में बने रहे, बस हम अंदर चलकर आप लोगों को मज़ार मुबारक की ज़ियारत पेश करवाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने से पब्लिक आ नहीं पा रही है, इतनी ज़्यादा अंदर पब्लिक भरी हुई है। और लोग जाने के लिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग खड़े हैं, जो मखदूमे पाक की ज़ियारत करने के लिए, अपनी अपनी दुआओं को मांगने के लिए लोग जाने के लिए तड़प रहे हैं। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं तो हजरात आप लोग देखे हैं मखदूम पाक के रोज़े मुबारक के अंदर मज़ार मुबारक के पास आ चुके हैं, रोज़े के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं जो ये लगा हुआ, ये बिल्कुल नया है, इसको लगे अभी 24 घंटा नहीं हुआ, ये कल की रात में ये लगा है। और जो आप ये देख रहे हैं ये चीज़ें सब चांदी की लगी हुई है। आइए आप लोगों को सबसे पहले करीब से दिखाते हैं। ये चांदी का लगा हुआ है और कल की रात में ही मखदूम पाक के रोज़े पर लगाया गया है, जैसा कि आप लोग देखें। और आप लोग मखदूम पाक की मज़ार मुबारक की ज़ियारत करें, जिनको भी दुआ सलाम पेश करना है
वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, मरीज का नाम लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मखदूम पाक की बारगाह में उनका दवा सलाम पेश किया जाएगा। आप लोग ज्यारत करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये चांदी का है सरकार के दरबार का, ये चांदी का है मखदूम। जितना भी आप देख रहे हैं ये सामने ये ग्रिल लगा हुआ है, ये सब चांदी का लगा हुआ है, चांदी है बिल्कुल। आप लोग देखें, तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आप लोगों को किछौचा शरीफ दरगाह से ताल्लुक से इसी तरीके से डेली अपडेट इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किछौचा शरीफ दरगाह से ताल्लुक से आप लोगों को डेली अपडेट इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। यहाँ की सारी जानकारी हम इसी चैनल पर देते रहते हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।